कोई न पाया। अभी बाजू में बैठे हुए तेरे जैसा कोई न पाया, तेरे बात विखार जाता है। और कमल साहब को टाइम इसलिए लगा कि दिल से जब एतबार जाता है, आदमी का विखार जाता है और जंग की मैदान जीतने वाला अपने ही घर में हार जाता है। रजक बाबा, ये मैं अपने ऊपर खुद नजर कर रही हूँ। जाने वाले इतना तुझको याद रहे, फिर को
कोई ना याद आया है, फिर कोई ना याद आया है। और कंवर साहब, परी साहब, कि चाहने वालों की भी मंजिल कड़ी होती है, हर मुलाकात जुदाई की घड़ी होती है। वक्त मिल जाए तो रिश्तों की किताबें पढ़ना, दोस्ती खून के रिश्ते से बड़ी होती है। लेता है नए चेहरे, नए गेसू निकाल लेता है। और गमों पे कभी इसके एतबार मत करना, गमों पे कभी इसके एतबार मत करना, ये प्यास के आंसू निकाल लेता है। फिर कोई ना याद आया है तेरे बाद, फिर कोई ना याद आया है तेरे बाद, फिर कोई ना याद आया है तेरे बाद। इसीलिए कि गम के सांचे में ढल नहीं सकते और तुम मेरे साथ चल नहीं सकते। अरे मैं गिरी तो संभल भी सकती हूँ, मगर तुम गिरे तो संभल नहीं सकते। और हमारे कंवर साहब को देखते हुए, उनकी खूबसूरती को देखते हुए चेहरा अर्ज कर रही हूँ, कैसे क्या बात है। सामने आए हुस्न के पैकर एक से एक, 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 सामने आए हुस्न के पैकर एक से। मैंने किसी की सिमत न देखा, आवाज आप हटना भैया कहीं डिस्टर्ब कर रहा था। हाँ ना, इतना खूबसूरत आदमी सामने बैठा हुआ है, पूरा फेशियल का कमाल है। मैंने किसी की सिमत न देखा, मैंने किसी की सिमत न देखा। किसी की सिमत ना देखा तेरे बाद,
हकीकत में पहला प्यार है मेरा ये। मैंने किसी वाह चाचा भी मजे ले रहे हो, इसलिए कह रही हूँ कि कौन कहता है ये बूढ़े इश्क नहीं करते, क्या बात है, कौन कौन कहता है ये बूढ़े इश्क नहीं करते, लेकिन ये सच है, इन बूढ़ों पे कोई शक नहीं करते। मैंने किसी की संत न देखा तेरे बाद, मैंने किसी की संत न देखा तेरे बाद, दुनिया जाए चूल्हे भाड़ में और चाचा लगे अपनी जुगाड़ में। मैंने किसी की संत न देखा तेरे बाद, मैंने किसी की सिमत न देखा तेरे बाद, जाने जाना फरी साहब बाद में झमल लेना, मुझे मालूम है आपके चक्कर में बहुत पड़े हुए हैं, जब से तेरे इश्क के चक्कर में पड़े हैं, पड़े हैं तो पड़े हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं, वाह, गैरों ने पूछा ना हमें, अपनों ने पूछा, जब से तेरे इश्क के चक्कर में पड़े मगर देखिए मैंने कवल साहब को एक बार जो देखता है ना उनके जुल्फों में खो जाता है। जाए तो बाद में बात कर लेना सर को नीचे। वाह वाह क्या शागिर्दी है भाई। एक शागिर्द पांच पांच को घेरता हो कि जब से तेरे इश्क के चक्कर में पड़े हैं, पड़े हैं तो पड़े हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं, आज तक मैं भी वही कर रही 6 साल से। हमें अपनों ने पूछा ना गैरों ने, हमें अपनों ने पूछा ना गैरों ने, बेकार में हम पूरे गांव में पड़े हैं। मैंने किसी के संत न देखा तेरे बाद, 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 मैंने किसी के संत न देखा तेरे बाद। मेरी वफा का आपने अच्छा सिला दिया फरी साहब। वाह वाह क्या बात है।
कि मेरी वफा का आपने अच्छा सिला दिया, एक ख्वाब समझकर मुझे दिल से भुला दिया, और सुरमा समझकर गहरों को आंखों में दी जगह, आंसू समझकर मुझे नजर से गिरा दिया। बात पर गवर है ना, यहाँ पर जो भी बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, दरबार में बोल रही हूँ कि मैं अगर मर जाऊ तो मेरी मैयत पर आना नहीं है। अब्बा साहब आपसे कह रही हूँ, वैसा भी नहीं आएंगे आप दूर में। मैं अगर मर जाऊ तो मेरी मैयत पर आना नहीं, और आए है तो फूल लाना नहीं, और लाए है तो फूल चढ़ाना नहीं। अरे पहले से ये सना रंगी नहीं थी, दबी मुझे और दबाना नहीं। मैंने किसी से दिल न लगाया तेरे बार, मैंने किसी से दिल न लगाया तेरे बार, मैंने किसी से दिल न लगाया कि मैं अगर मर जाऊं तो मेरी मैयत को गली गली घुमाना। मैं अगर मर जाऊं तो मेरी मैयत को गली गली घुमाना, ये फरी शोले को कफन अटा के चेहरा मेरा बताना, वो मेरा कुछ पूछे उन्हें गम मेरा बताना, और मेरे घर का पता पूछे उन्हें कब्रस्तान बताना। मेरे किसी से दिल न लगाया तेरे बार, मेरे किसी से दिल न लगाया तेरे बार, बच्चे भी दिल ना लगाया दिल ना लगाया दिल में बैठ गई इनकी बात। इतनी मोहब्बत करती हूँ मैं उस शख्स से, इतनी मोहब्बत करती हूँ मैं उस शख्स से, देखो दिल इतना जला रहे मेरा फिर भी बोल रहे। तेरे बार कितना बेकठोर आदमी है देखो, गैबनशाल वली से मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह इसको भी सच्चा प्यार हो जाए मेरे से। सामने आ जाए ताकि एक खूबसूरत और आगा बोलूंगी। आ जाओ शोले से प्यार करती मैं, बाकी किससे नहीं करती। अब बात है भाई फरी शोले साहब, 6 साल पहले पैगाम आया था, इनके बड़े भाई ने 3 लाख रुपए हुंडा मांगे थे, मेरे पापा ने नहीं बोल दिया, 1 लाख रुपए दे सकते बोले। जब से उस तारीख से मेरे से दुश्मनी रखे हुए हैं, जहाँ भी जाते हैं मेरे से जली जली बातें करते हैं। मैं 2 कलाम पढ़ती हूँ, 3 कलाम पढ़ती हूँ। और एक मराठी में शेर है, इनके 3 कलाम गाने से बोल रही हूँ, सारी पब्लिक को भगा चुके हैं इसलिए कह रही हूँ, मराठी में शेर है शायद ना समझे। हाँ दे
देखिए ये वाले, इन्होंने कहा था 3 लाख रुपये होना मुझे हुंडे में जब मैं अपनी बहू बनाऊंगा ना, तो नहीं साजिद भाई ऐसे अच्छी बात नहीं है। हाँ गैवंशावली देखेंगे आपको। मैंने किसी से दिल लुभाया, मैंने किसी से दिल लुभाया, जब ये साजिद भाई बोले 3 लाख रुपये होना, जब से कव्वाली गाना चालू कर दी, कम से कम पैसा है कि 3 लाख रुपये नहीं तो दे के फरीश वाला शादी करूंगी। मैंने किसी से के चंपा गुलाब जूही चमेली महक गई, चंपा गुलाब जूही चमेली महक गई, क्या नाम है भैया का? फिरोज भाई। साजिद भाई क्यों इधर नहीं आते क्या कोरस में? भाई की तरफ चिल्ला चिल्ला कोरस कर रहे। क्या चंपा गुलाब जूही चमेली महक गई, ये कौन आया दिल की हवेली महक गई, और तन्हाई में बैठ के अशकों की बूंद से लिखा जो फरीद तो हथेली महक गई। किसी से बात करना बोलना अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना बोलना अच्छा नहीं लगता, और तुम्हें देखा है जब से दूसरा अच्छा नहीं लगता। खोया गया है फरिश्चोला, सोया गया कि खोया गया, क्या बोल रहे? पहले तो खोया गया है, खोया गुम गया, खोया गया, खोया गया। एक तुमको नहीं दिख रहा, दूसरों को नहीं दिख रहा क्या? और दूसरी बात, गोवा गया है तेरे जाएगा वो, क्योंकि तुमने हुंडा 5 लाख रुपए लेना उसकी औरत से और भिजा दिए। मन का क्या? अरे मेरे पापा 3 लाख को मना कर दिए तुमको करके, तुमने उसकी शादी दूसरी तरफ कराई। लिख के दो, किसी से पढ़वा दो। क्या इतनी स्पीड में बोल रहे हो, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। अरे भाईजान एक बात सुन लो, इधर मुंडी करो मेरी तरफ, इधर आंखों को गॉगल लगाते हैं क्यों और महफिल में आते हैं तो शर्माते हैं क्यों? मैं माइक ले लूंगा अगर, तो सुबह पार दूंगा मैं आपकी। सकील आप बोल, बहुत देखो हालत देख के बात करो फरीद साहब। नहीं आप बहुत बोल रहे हो। मैं क्या बोल रही हूँ, हालत देख के बात करो तो सुबह पार दोगी मैं। मैं क्या बोल रही हूँ, हालत देख के बात करो। मेरी हालत कभी बहुत अच्छी। हाँ गिर जाऊंगी ना तो खुरच के निकालना पड़ेगा आपको। मैंने किसी से दिल न लगाया तेरे बाद, मेरे किसी से दिल न लगाया तेरे बाद, मेरे किसी से दिल न लगाया तेरे बाद। क्या बात है,
तुझे दिल दिया था, उम्र भर का सहारा बनेगा फरीश शोले तेरा है, ये समझ कर तुझे दिल दिया था उम्र भर का सहारा बनेगा, क्या खबर थी मेरे रास्ते का, एक दिन तू ही काटा बनेगा मेरे दिल से। मगर मेरा मुकाबला फरीश शोले से, उसके भाई से नहीं है। और एक लेडीज देखो रजाक भाई, एक बड़े भाई का नाम लिया था 3 लाख रुपए मांगे, मुझे तो मालूम है। एक बड़े गच्ची बड़े मांगे थे आपने, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोला, अल्लाह देख रहा है। 3 लाख दे देते तो एक नंबर गाना गाती ना आज। अरे जब इस तो मैं गाना चालू करता नहीं आ रहा तेरा। ए देखो एक मिनट रजाक भाई, मैं एक लेडीज और ये 4-4 भाई, अच्छी बात है क्या? सभी बोलो भाई की तरफ से, नहीं है ना? एक ही रुख से नतीजे पे पहुंचने वालों, मौत क्या जिस्म का उनवा भी तो हो सकती है, और कोई औरत जिसे दिल खोल के चाहा जाए, सिर्फ बीवी ही नहीं माँ भी तो हो सकती है। मेरा कमाल साहब से मुकाबला। हाँ देखिए, अब मुकाबला होगा इंशाअल्लाह रहमान। हरिया बेटा मैदान में आने आ जाओ, देखो आंख मारूंगी ना वही गच्ची बढ़ेंगे। आंख लड़ जाए तो लड़ जाने में हटकर कांटे, आंख लड़ जाए तो लड़ जाने में हटकर कांटे। हरिया बेटा हट बेटा, तू वो डिस्टर्ब कर रहा, पहले तो भाया डिस्टर्ब कर रहे उसको। आंख लड़ जाए तो लड़ जाने में हटकर कांटे, इसमें वो खूबी है भर जाए तो घटकर दिले, उस सांप से झिपटे तो झिपट कर काटे, ये वो नागन है पलटे तो पलट कर काटे। के सहरा में समंदर में भी जहर नहीं है, ये कवाल साहब के लिए बोल रही हूँ मैं। आदमी ऐसा होता है, देखो साला जब तक नोट रही जब तक ही आयश करता हो, इसलिए कह रही हूँ कि सहरा में समंदर में भी उजहर नहीं है, कांटों में गुलेतर में भी उजहर नहीं है, और अहबाब में जो मेरा को पैमे उतारा, अरे सांपों के मुकद्दर में भी उजहर नहीं है। और के झूठों का शहर झूठ का दस्तूर हो गया, के झूठों का शहर झूठ का दस्तूर हो गया, और आईना सच कहने पे मजबूर हो गया। Hello. और इतने दिए जलाए हैं मेरे खुलूस में के दुश्मन सलाम करने पे मजबूर हो गया। मैंने किसी से दिल न लुभाया तेरे बाद, शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए, दिल टूटे आवाज ना आए, दिल टूटे आवाज ना आए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, अपनों से तो गेरिया छे, अपनों से तो गेरिया
मशहूर गजल सुना रहा हूं मैं, ये गजल भी सुनाऊंगा और मेरी मशहूर गजल भी सुनाऊंगा। सावली सी एक लड़की, सावली सी एक लड़की, सावली सी एक लड़की जो अभी कमारी है, सावली सी एक लड़की जो अभी कमारी है, सावली सी एक लड़की जो अभी कमारी है, सावली सी एक लड़की। हेलो, हाँ सावली सी एक लड़की जो अभी कमारी है, सावली सी एक लड़की जो अभी कमारी है, सावली कमारी है, सावली सी एक लड़की जो अभी कमारी है, डालो डोरे मत डालो, इस पे डोरे मत डालो, इस पे डोरे डालो, इस पे डोरे मत डालो, इस पे डोरे मत डालो, इस पे डोरे मत डालो, चीजिए हमारी है, इस पे डोरे मत डालो, चीजिए हमारी है। देखिए सच्चाई पे बात आ गई ना, जबान पे सच्चाई आई कि नहीं कि चीज ये हमारी है। अब मेरे लवर को कभी मालूम पड़ा तो इनका क्या हाल होगा। इस पे डोरे मत डालो ए खुदा, पैसे वाली थी कल जो पैसे वाली थी, कल जो पैसे वाली बोलते ना चलता मेरे को, अभी पैसे वाली बनी हूँ, पहले भिखारी थी मैं, आज वो भिखारी है, कल जो पैसे वाली, आज वो भिखारी है, कल जो पैसे वाली, कल जो भिखारी थी आज पैसे वाली है, कल कल जो पैसे वाली थी आज भिखारी है। इसी भी कह रही हूँ कि ये भी सब तुम्हारी चक्कर में है कि किसी से कुछ ना कहूंगी और लबों को सी लूंगी। फरीशोला साहब, किसी से कुछ ना कहूंगी और लबों को सी लूंगी, यकी करो मैं तुम्हारे बगैर सी लूंगी, और मेरे ही शहर वाले मुझे अजनबी समझते। रजाक भाई इस बात पर गवाह रखना, गवाह रहना, कि किसी से कुछ ना कहूंगी और लबों को सी लूंगी, यकी करो मैं तुम्हारे बगैर सी लूंगी, और मेरे ही शहर वाले मुझे अजनबी समझते हैं, ये जहर भी मैं दवाई समझकर पी लूंगी। चुप के तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है, तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है, चुप के तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है, समझ में मेरी आया के मोहब्बत क्या है, समझ में मेरी आया के मोहब्बत क्या है, समझ में मेरी आया के मोहब्बत क्या है, छुप के तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है, अब समझ में मेरी आया के मोहब्बत क्या है, और बेटा कहलाने के लायक ही नहीं वो बेटा, माँ से जो पूछे तेरे दूध की कीमत क्या है। ए दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं है,
दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, दोस्ती का भरोसा नहीं, दोस्ती का भरोसा नहीं। मैं आपको बता दूं, ये गजल मेरे उस्ताद मोहतरम हाजी छोटे मजीद सोला साहब की है, जिसको रईस हनीस ने पढ़ा है। रईस हनीस की नहीं है, ये हाजी साहब की गजल है। आप खुद 20 साल पहले गाई है उन्होंने, कि आप खुद से भी पर्दा करो, आप खुद से भी पर्दा करो, आप खुद से भी पर्दा करे, अब किसी का भरोसा नहीं है, आप खुद से भी पर्दा करे, अब किसी का भरोसा नहीं है। आप खुद पर्दा करें, इसलिए कर रही हूँ। क्या है आंसू आपकी दहलीज पर आया ना करो, हाय 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 हाय, और घर के हालात जमाने को दिखाया ना करो। मुझको रंगीली कहते हैं, जहाँ जाती हो अपना रंग छोड़ के आती हूँ। देखो तुझको पागल बना के ना छोड़ा तो बोलना, हेलो मेरे महफिल में अपना रंग जमा के ना छोड़ा तो बोलना। मेरे उस्ताद की बात छोड़ो, पहले पहले चेले से बात। अरे बसना रे बसना, ये हवा में हयाई की ऐसी चली है। ये मेरा शागिर्द है, बहुत खूबसूरत है भाई, नजर उतारना। चांद शोला, ये मेरा शागिर्द है, मेरा बच्चा है चांद शोला। देखिए यही काफी है मेरी, बहुत बहुत दूर की बात। हवा बेहयाई, तो ऐसा रहता है ना। क्या बात है भाई, मेरे को क्या ना, मेरे शागिर्द को आता चांद शोला। एक हदीस में है, हेलो कौन सी तो भी हदीस है, मैं नाम भूल गई हूँ, उसमें गुरु का चेला ज्यादा वैसी गत आ गई। हवा बेहयाई की ऐसी चली है, ये हवा पास आने से शर्मा रही है, या इलाही ये कैसी दुनिया, ये बिल्लियां भी शेरों को डरा रही है। इस आप मुझे दे, एक मिनट बेटा, इतना सुन के दे, रुक रे, आंसुओं आंखों की दहलीज पर आया ना करो। अरे जरा रुक जा बेटा, बर्दाश्त कर ले। मेरे को लगता है फरी शोलोक ज्यादा गाना मिलता, उसको कम मिलता, इसलिए बहुत चिल्ला रहा है। मेरे को बहुत, एक मिनट शेर सुन, शेर सुन। क्या दुनिया ने कैसे कैसों का फ्यूचर बना दिया, चोर उचक्कों को कव्वाल और शायर बना दिया। और जब से खुले हैं ये गली गली में ब्यूटी पार्लर, तो ये कव्वों को भी समा जाकर कबूतर बना दिया। आप कह रहे हो सरकार की, मजाकिया शेर पेश कर दूं मैं, बड़ा बढ़िया बड़ा बढ़िया, मजा के लिए। औरंगाबाद वालों से पंगा लेना, पंगा कर डालते। ये फरीश गुजराती शोले ने दिल दिया था इन्हें, अपना रंगीली समझ कर। फरीश चोले ने इन्हें दिल दिया था अपना समझ कर, और इसको भी चबा बैठी वो तरबूज समझ कर। ए जावेद रुक जा बेटा, कि कल ये मेरे भी आंगन, चांद सोला चांद सोला, इस वागड़िया गांव में मेरा दिल डोलता है। ए तुम्हारे तरफ से बोल रहा हूँ ना, ये वागड़िया गांव में मेरा दिल डोलता है, तपेली चूंकि मैं चमचा बोलता है। कलिए मेरे आए हाय, बड़ा हसीन शेर है। कलिए मेरे बियागन में थी, मेरे बियागन में थी, कलिए मेरे बियागन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है। कलिए मेरे बियागन थी, जिस पे तुझको कलिए मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरु राज है। कलिए शायद कलिए शायद तुझे छोड़ दे, तुझे छोड़ दे, कलिए शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं है। कलिए शायद तुझे छोड़ दे,
शिक्षा दे रही है। ये चार पैसे भी क्या क्या कमाल करने लगे। कल ये शायद इसे छोड़ दे, इसलिए कह रही हूँ कि ये चार पैसे भी क्या क्या कमाल करने लगे, खिबला हराम चीज को करने लगे। और मेरे मकान के बिकने का जिक्र क्या निकला, कई पड़ोसी देखभाल करने निकले। क्या बात है, राही पड़ोसी क्या कहते, तो मुझे चाहता हूँ। हाँ, आपने भी पैसे का कुछ बताया। शेर पढ़ी हूँ भैया मैं। हाँ शेर पढ़ रहा हूँ, मैं भी शेर ही पढ़ूंगा। देखिएगा क्या आईने पे आईना खुश पैदा हो गया, और इस जमाने में हर एक हमारा दुश्मन पैदा हो गया। मेरी गुर्बत राहा का एक पत्थर बन गई, राहा में हर चलने वाला उसको ठुकराता रहा। देखकर मेरे गले में शोरतों के हार को, उम्मी खाली पेट मेरा कितना चिल्लाता रहा। अब राही बड़ोगी क्या कहते हैं, इसलिए कह रही हूं। आ गया गुर्बत पे मेरी और भी ज्यादा शबाब, आ गया गुर्बत पे मेरी और भी ज्यादा शबाब, हार फूलों के जमाना मुझको पहनाता रहा। भूख मेरे पेट में ढोलक बजाती ही रही, और चंद सिक्कों के लिए मैं रात भर गाता रहा। क्या बात है, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, बड़ा हसीन शेर सुना रहा हूँ। वो कल ये शायद, एक कल ये शायद तुझे छोड़ दे, तुझे छोड़ दे, कल ये शायद तुझे छोड़ दे, ए रात दिन, ए रात दिन। इंसान रात दिन मेहनत करता है, मैं ये कर लूं, घर बना लूं, बंगला बना लूं, गाड़ी ले लूं, तमाम ख्वाहिशें आदमी देखता है, मगर शायद न देखिए क्या शेर कहा है, तवज्जो। ये रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने। इतने दुख जिंदगी के लिए, इतने दुख जिंदगी के लिए, और इसी का भरोसा नहीं है, इतने दुख जिंदगी के लिए, और इसी का भरोसा नहीं है, इतने दुख जिंदगी के लिए। आज जगत माँ मने कौन जाने, गुजराती जबान में शेर पढ़ा हूँ। आ जगत माँ मगर मने कौन जाने, क्या बोल रहे थे, आ जगत माँ मने कौन जाने, गेवन साहब बाबा तमे जानो तो आखो गाम जाने, तमे जानो तो आखो गाम जाने। अरे हूं तो तमने समझाई समझाई ने थाकी गयो, अबे तमे जानो ना तमारो गाम जानो बापा। इसलिए आपने तो गुजराती में बोल दिया, मगर मेरा क्या कहना है, मैं मराठी में बोल रही हूँ, महाराष्ट्र की कहीं सांगला क्या गाऊ ना को आशा तू तावत, आला तू आज गए बम बावत से गावत, और लागू ना को सना रंगीली च नादत, ने तो जासिन तू बारा च भावा। ओके भी बोला भी ले एक बार, तारा बिना गम तू नथी, के भी बोला भी ले एक बार, तारा बिना गम तू नथी। समझाओ मराठी में क्या पढ़ा, समझाओ। ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा, आया ना, के गाऊ नको आशा तू तावत तावत, आला तू आज गैबन बावा चे गावत, मतलब आया तू आज गैबन चे बावा के गाँव में, और लागू नको सना रंगीली चे नादक, मतलब बोलू नको कुछ मेरे को, लागू नको सरंगीली चे नादक, नहीं तो जासिन तू बारा चे भावत। कि तीर दिल के पार भी हो जाएगा और खुशबुदार भी हो जाएगा।
यार जब से यार हो गया, यार जब से यार हो गया, जिंदगी से प्यार हो गया, जिंदगी से प्यार हो गया। मैं क्या कहता हूँ तुमको, देखो इश्क में तेरी नजर का तीर, इश्क में तेरी नजर का तीर, इश्क में तेरी नजर का तीर, दिल जिगर के पार हो गया, दिल जिगर के पार हो गया। रजाक बाबा, आपने बुला के चार कव्वालों को गवा रहे और मेरे को एक ही नहीं बुलाए। ये सरकार गबन साहब आओ की मर्जी है, ये रजाक बाबा ने बुलाए दो को। ये गबन साहब अली का करम है मुझ पर, तुम्हारे चार चार को छेचे को नहीं पटरी में भाया, तो भाया मैं तो तुम्हारी तरफ हूं, साजिदा तो साजिदा है, शाजिरा तो भी आ रहे, उलट उलट के आ रहे, इनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं पड़ पड़ चान सोना, चान सोना सारी। मैं इकला ही काफी बाबा जान, बाबा जान ये आपका बहुत बड़ा करम है और गैबन शाह वाली का। मैं आपको बता दूं सना जी, बात सुनो, मैं इकला ही काफी हूँ, हिंदुस्तान के तमाम कव्वाल मेरे नाम से घबराते हैं, अल्लाह का एहसान है। मगर मैं नहीं घबराती हूँ, मैं प्यार करती हूँ आपसे, क्योंकि ये बड़े करम की बात है और ये बाबा लोगों की मोहब्बत है, क्योंकि मैंने तीन तीन चार चार फिल्मों में भी गाया बाबा। अभी एक फिल्म आ रही है, दीदे में गाया मैंने, फिरोज में गाया मैंने, हाँ बेंजो वाला भी बोल रहा है, बोबड़ा बोबड़ा बोल रहा है, मगर बोल रहा बराबर। क्यों आपको डर लग रही क्या? मैं नको बोलता जी, रंगीली बोलते रंगीली, बहुत मारती रे बाबा ये तेरे को, जरा भी नको बोल रहे बात तू, मगर जाता नको यहां से तू। क्या जरूरी, क्या जरूरी है हर रात में, क्या जरूरी है हर रात में, जरूरी है हर रात में, चांद तुझको मिले जाने जा, क्या जरूरी है हर रात में, चांद तुझको मिले, क्या जरूरी है हर रात में, ये चांद तुझको मिले जाने जा, ए जुगनुओं से भी निस्बत रखो, जुगनुओं से भी निस्बत रखो। जरा जोर से देखो, चांदनी रात भी नहीं है, चश्मा दियो क्या? चांदनी का भरोसा नहीं है, चांदनी का भरोसा है। मैंने इनको पहले समझाया था, ये शेर भी सुनाया था, पर नहीं समझे, अब फिर सुनाता हूँ, सुनो। सुना बेटा, तेरा भी बाकी रह गया था। हर तारे चमकदार नहीं होते, हर समुंदर घेरे नहीं होते, ए दोस्त प्यार देखकर करना, खूबसूरत चेहरे वफादार नहीं होते। सही बोला, क्योंकि सितारों की, सूरज सितारों की अनोखी शाम लिख दूं। कौन शेर? शेर ऐसा पढ़ना चाहिए बाबा, शेर बड़ी चीज है, अल्लाह की कसम, सितारों की अनोखी शाम लिख दूं। बाबा जाना आपको देख के जोश आया, भला क्या ना, जैसे अच्छी बैठे थे पूरे भाया नहीं पड़ रहे थे। शायरी, शायरी पढ़ो, शायरी इसीलिए कह रही हूँ, मेरा शायर किताब बाबा बड़ा अच्छा शेर मुझे बहुत पसंद है, वो किताब की बहुत हल्की सी हो गई ये नाजुक पलके मेरी, बहुत 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 हल्की सी हो गई है नाजुक पलके मेरी, मुद्दतों बाद निगाहों से गिरा है कोई। वाह 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 वाह, क्या कहने, मुद्दतों बाद निगाहों से गिरा है कोई, फिर वही शायर कहता है, मुद्दतों बाद निगाहों से गिरा है कोई, एक कली ये शायद तुझे छोड़ दे, कली ये शायद तुझे छोड़ दे, मेरी भीगी हुई पलकों का तकाजा है यही, उसी शायर का शेर है, मेरी भीगी हुई पलकों का तकाजा है यही,
मेरी आंखों ने वजू करके देखा है तुझे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। इसलिए कि जो तंज कर रहे हैं हमारी उड़ान पर, जो तंज कर रहे हैं हमारी उड़ान पर, देखे खदम जमा के कभी आसमान पर। और जब से खबर उड़ी है कि सच बोलते हैं हम, तो पत्थर बरस रहे हमारे मकान पर। वाह क्या बात है। और ये बच्चे के लिए शेर दे रही हूँ, इसको मैं अपना बेटा मानती हूँ, इसके लिए शेर दे रही हूँ कि हक अपना हक से जरूरत नहीं मांगा, खिदमत के रोज कभी उजरत नहीं मांगा। और ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगा। पत्थर पत्थर पर शेर याद आया मुझे। देखिए गरीबी गरीबी किसको कहते हैं, पत्थरों बालती रही एक माँ तमाम रात, पत्थर पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, वाह वाह सुभानअल्लाह, पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। बहुत अच्छा। फिर दाना दाना बड़ों भी कहते हैं कि अजाब आया है मौसम का आंधिया लेकर, देखिए ऐसी गरीबी भी होती है। अजाब आया है मौसम का आंधिया लेकर, चमन से जाएगा फूलों की डालियां लेकर, गरीब माने ये कहकर सुलाया बच्चों को, फरिश्ते आएंगे ख्वाबों में रोटियां लेकर। इसलिए कि उसी के पास मोहब्बत दिखाई देती है, और जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की हर झुरियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। इसलिए कहना है इस शेर पे खास करके तवज्जो कि वो सहरा ना रहे गुजर में है, वो सहरा ना रहे गुजर में है, ना तेरे किसी सफर में है। और माँ को छोड़ के क्यों भटकता है दीवाने, तेरी जन्नत तो तेरे घर में है, तेरी जन्नत तो तेरे घर में है। बोलिए आप बोल रहे हो, बोलिए। इसलिए कहना है मेरा, बढ़ के जब कौन रही थी तो जिया आगे थी, बढ़ के जब कौन रही थी तो जिया आगे थी, बुए गुल पीछे थी खुशबुए हिना आगे थी। और जब भी उजरा हूं मैं मैदान के अंदर, देखो दो कदम मुझसे मेरी माँ की दुआ आगे थी। क्या बात है। इसलिए माँ कितनी प्यारी थी, माँ कितनी प्यारी थी, माँ कितनी माँ कितनी प्यारी थी, माँ कितनी। इसलिए कि चांद ना चांद के हाले में मजा आता है, और मुझको तो चाहत के उजाले में मजा आता है। बाबा जान खास करके तवज्जो कि चांद ना चांद के हाले में मजा आता है, मुझको तो चाहत के उजाले में मजा आता है। और जब भी खिलाती है मुझे प्यार से माँ रोटी, जब भी खिलाती है मुझे प्यार से माँ रोटी, उसके हर एक निवाले में मजा आता है। ओ बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया, ओ प्यार झूठा तो जताया ही क्यों, प्यार झूठा तो जताया ही क्यों, ऐसे आना तो आया ही क्यों, ऐसे जाना तो आया ही क्यों, ऐसे जाना तो आया ही क्यों, ऐसी सितम कर तू जरा और सितम कर देगा, आजा बेवजह से खत्म कर देगा। ओ बेदर्दिया, बेदर्दिया, बेदर्दिया।